हेलो दोस्तों, आज हम आपको मुकुल एस आनंद सर के डायरेक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। मुकुल एस आनंद ने 1984 में आई मूवी कानून क्या करेगा से अपने डायरेक्टर कैरियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में सुरेश ओवर रॉय, दीप्ति नवल, आशा और डेनी शामिल थे। कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1985 में मुकुल एस आनंद की मूवी आई एतवार। इस मूवी के लीड कास्ट में डिंपल कपाड़िया, सुरेश ओवर रॉय, राज बब्बर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1986 में मुकुल एस आनंद की मूवी आई मैं बलवान। इस मूवी के लीड कास्ट में मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, सुरेश ओवर रॉय, मीनाक्षी और राजा मुराद शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,38,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 7,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। इसी साल मुकुल एस आनंद की मूवी आई सल्तनत। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, सनी देओल, श्रीदेवी, जूही चावला और करण कपूर शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,90,00,000 रहा। भारत में कमाई 1,28,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 2,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही। 1987 में मुकुल एस आनंद की मूवी आई इंसाफ। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, डिंपल कपाड़िया और सुरेश ओवर रॉय शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,08,00,000 रहा। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 4,35,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1990 में मुकुल एस आनंद की मूवी आई मां संग्राम। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, आदित्य पचौली, माधुरी दीक्षित और गोविंदा शामिल थे। इस मूवी का बजट 2,38,00,000 रहा। भारत में कमाई 2,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 3,20,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल मुकुल एस आनंद की मूवी आई अग्निपथ। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, माधवी, नीलम कोठारी और डेनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 7,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 10,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1991 में मुकुल एस आनंद की मूवी आई हम। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, गोविंदा, किमी काटकर और अनुपम खेर शामिल थे। इस मूवी का बजट 3,12,00,000 रहा। भारत में कमाई 9,25,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 16,80,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल मुकुल एस आनंद की मूवी आई खून का कर्ज। इस मूवी के लीड कास्ट में विनोद खन्ना, रजनीकांत, संजय दत्त, डिंपल कपाड़िया, संगीता बिजलानी और किमी काटकर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1992 में मुकुल एस आनंद की मूवी आई खुदा गवाह। इस मूवी के लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, नागा अर्जुन, श्रीदेवी और डेनी शामिल थे। इस मूवी का बजट 5,70,00,000 रहा। भारत में कमाई 6,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 11,75,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। 1995 में मुकुल एस आनंद की मूवी आई त्रिमूर्ति। इस मूवी के लीड कास्ट में अनिल कपूर, जैकी शराफ, शाहरुख खान और प्रिया तेंदुलकर शामिल थे। इस मूवी का बजट 11,00,00,000 रहा। भारत में कमाई 9,00,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 16,00,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। दोस्तों, आपको मुकुल एस आनंद सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। दोस्तों, थैंक यू।